सत्ता की शुरुआत में सत्य पे सत्ता यानी सात खबरें और दिलचस्प जानकारियां। पहले आपको दिखाएंगे कनाडा के पीएम जस्टिन ट्रूडो को कैसे खालिस्तान से प्रेम और भारत से दुश्मनी महंगी पड़ रही है। भारत ने पहले कनाडा के नागरिकों की वीजा सर्विस बंद कर दी और अब कनाडा के आतंकियों का सेफ हेवन कहा है उसको। ट्रूडो की नई टेंशन पर सत्ता की कुंजी आज हम खोलेंगे। फिर अपने सिर पर सामान ढोते राहुल गांधी की दिलचस्प वीडियो कुंजी भी आपको दिखाएंगे। राहुल ने आज आनंद विहार रेलवे स्टेशन पर कुलियों से मुलाकात की। बीजेपी इस पर राजनीतिक चुटकियां भी ले रही है। इसके बाद सत्ता में उन लोगों के लिए बहुत चौंकाने वाली खबर जो गूगल मैप्स का इस्तेमाल करते हैं। क्या आप जानते हैं गूगल मैप्स की एक गलती ने 47 साल के शख्स की कार को टूटे हुए पुल पर चढ़ा दिया और कार नीचे गिरने से उसकी मौत हो गई। एक जरूरी अपडेट राज्यसभा से भी है जहां नारी शक्ति वंदन अधिनियम पर चर्चा हो रही है। महिला आरक्षण पर राहुल की ओर से उठाए गए सवालों के जवाब में आज बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भी सवाल पूछ लिया और कहा कि राहुल बताएं उनकी पार्टी के शासनकाल के दौरान कितने ओबीसी सेक्रेटरी थे। नीट पीजी के लिए छात्रों के लिए एक अच्छी खबर है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी वर्गों के लिए कट ऑफ यानी क्वालिफाइंग परसेंटाइल को घटाकर शून्य कर दिया है। इस फैसले के बाद अब सभी वो छात्र काउंसलिंग में शामिल हो पाएंगे जो नीट परीक्षा में हिस्सा ले चुके हैं। एक गुड न्यूज भारतीय डॉक्टर्स के लिए भी है। अभी तक भारतीय मेडिकल कॉलेज से पढ़ाई के बाद सिर्फ भारत में प्रैक्टिस की इजाजत थी, लेकिन अब भारतीय मेडिकल लाइसेंस को कई देशों में मान्यता मिल गई है। अब भारतीय डॉक्टर अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा और न्यूजीलैंड जैसे देशों में भी मरीजों का इलाज कर पाएंगे। एक जरूरी खबर परेशान पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान से भी है। पाकिस्तान को अगले साल नया प्रधानमंत्री मिलेगा। पाकिस्तान में आम चुनाव जनवरी 2024 के आखिरी हफ्ते में होंगे, ये जानकारी पाकिस्तान के चुनाव आयोग ने दी है।